हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सबसे पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज रन कर रहे हैं, उस सीरीज का नाम है वन डे वन टॉपिक की सीरीज। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, कैश मैनेजमेंट। उस टॉपिक का नाम है कैश मैनेजमेंट, जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्योंकि फाइनेंस किससे डील कर रहा है, बेसिकली कैश से ही तो डील करना है। कहाँ से मुझे कैश लेना है, कहाँ यूटिलाइज करना है, तो पूरा ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसे से रिलेटेड है। तो आज हम कैश मैनेजमेंट को ही पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसके क्या क्या मोटिव्स हैं, क्यों मेरे को कैश को रिक्वायरमेंट होती है, मैं अपनी कंपनी के अंदर क्यों कैश रखूँ, क्या इसके मॉडल्स दे रखे हैं, किस किस ने इसके रिगार्डिंग मॉडल्स दिए हैं फॉर फाइंडिंग आउट दी ऑप्टिमम कैश बैलेंस एंड इट्स न्यूमेरिकल। जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम करेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सीधा चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा सबसे पहले है डेफिनेशन। क्या है भाई कैश मैनेजमेंट, क्या है मैनेज करना, किस चीज को कैश को मैनेज करना अपनी फर्म के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी तरीके का बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है तो सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है, कैश की जरूरत पड़ती है। अगर मैं मार्केट में आज सिंगल चीज भी खरीदने जाऊं, स्टेशनरी भी खरीदने जाऊं अपनी फर्म के लिए, तो मुझे किस चीज की नीड पड़ेगी, कैश की नीड पड़ेगी। कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए मुझे पैसे की नीड है भाई, पैसा होगा तभी तो मुझे कोई आगे जाके सामान देगा, पैसा ही नहीं है तो कैसे मैं किसी के साथ बिजनेस कर पाऊंगी। तो कैश एक हमारा क्या है, कैश इज द लाइफ लाइन ऑफ एवरी बिजनेस। कुछ हम कैश को देते हैं रोज ही कंपनी के अंदर, कुछ इनफ्लो होते हैं, कैश इनफ्लोज होते हैं, कुछ आउटफ्लोज होते हैं। मतलब जो हमारे हम पेमेंट्स करते हैं तो हमारा आउटफ्लो हो गया, और जो भी हमको पेमेंट्स मिल रहे हैं, जिनसे भी जिनको हमने उधार पे माल बेचा था वो आके हमें पैसे दे रहे, तो वो हमारा क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया। तो डेली बेसिस पे कुछ अमाउंट इनफ्लोज होती है, कुछ अमाउंट आउटफ्लो में आती है। और अब हमारे अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक्सेस कैश हो गया, आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा कैश हो गया फॉर सपोज, एंड आपको वो चीज नहीं चाहिए, अगर एक्सेस कैश है आपके पास, तो आप उस कैश का क्या करोगे, आप मार्केट में जाके कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, यही तो करोगे प्रॉफिट कमाने के लिए। भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो फिर मैं क्या करूंगी, जब जाके मार्केट में जाके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दूंगी, लाइक शेयर, डिबेंचर और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहो वहां कर सकते हो। अब मेरे पास, मेरी कंपनी के अंदर शॉर्टेज हो गई, अभी तो कैश की एक्सेस था तो मैंने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब कमी हो रही है पैसे की, तो मैं क्या करूंगी, जहां मैंने इन्वेस्ट किया था वहां से मैं क्या करूंगी भाई, अब इनको क्या कर दूंगी, सेल कर दूंगी। सेल करके मुझे क्या मिल जाएगा भाई, दोबारा से मेरे हाथ में क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी, वो पैसा आ जाएगा मेरे पास। तो ये पूरी साइकिल चलती है कि अगर हमारे पास ज्यादा कैश है तो आप इन्वेस्ट करते हो सिक्योरिटीज में, आपको फायदा हो जाएगा, और अगर आपके पास कैश नहीं है तो उन्हीं सिक्योरिटीज को आप मार्केट में सेल आउट करके आप अपनी कंपनी के अंदर कैश लेके आ सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे इतना स्मूथ दिख रहा है, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम हियर, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये बन जा रही है कि आप देखो, अब अगर पास ज्यादा कैश हो जाना वो भी एक ऑप्शन नहीं है, कम कैश हो जाना आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी एक ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको एक ऑप्टिमम बैलेंस चाहिए होता है, जिससे कि ये कंडीशन अराइज ही ना हो, ना तो आपके पास एक्सेस कैश हो और ना ही आपके पास बहुत ही कम हो जाए, शॉर्टेज हो जाए कैश की, कि आपको दूसरों से लेना पड़ जाए या सिक्योरिटी सेल करके कैश हो जाए, ये तो मैं कर ही सकती हूँ, ठीक है। तो लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट करना होता है, जिससे कि मैं उतना लेवल अपने कैश का मेंटेन कर सकूं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैश मैनेजमेंट, कि किस तरीके से मुझे कैश को मैनेज करके चलना। अब एक आता है कि मोटिव्स क्या है हमारे, जो कैश को होल्ड कराना है, क्यों कराएं हम कैश को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों रखूं मैं। तो तीन मोटिव है जो मेरे जॉन किंग्स ने थ्री मोटिव दिए थे। कौन कौन से मोटिव है, वो ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। अब मैं ये आपको डिटेल में अभी समझाऊंगी, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं सीधा। देखिए ट्रांजेक्शन मोटिव, ट्रांजेक्शन करने के लिए यू नीड कैश। लाइक अगर आपको आपका बिजनेस है, आप मार्केट में कुछ चीज खरीदने जाते हो, रॉ मटेरियल खरीदने जाते हो, तो आपसे सबसे पहले वो क्या मांगेगा, जो आपका सप्लायर होगा वो आपसे क्या कहेगा, भाई लाओ कैश लाओ, तभी तो वो आपके साथ बिजनेस डील करेगा, नहीं तो वो डीलिंग करेगा ही क्यों आपके पास। अगर इफ यू आर नॉट हैविंग एनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश, आपके पास कैश ही नहीं है, तो सामने वाला आपसे डील क्यों करेगा। तो दिस इज द बेसिक पर्पस, कि मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कैश चाहिए, मतलब ट्रांजेक्शन मोटिव। सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशन लेने के लिए भी
अब कहते हो ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्या है भाई, सबसे पहले आप एक्स्ट्रा अमाउंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होल्ड कर लो, जिससे कि इन केस ऑफ फ्यूचर इमरजेंसी आप उस कैश को यूज कर सको अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी। जो हमारा बिजनेस एक अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता, कभी भी बिजनेस में अप्स हो सकते हैं, डाउन हो सकते हैं, डाउन होने में भी मार्केट को टाइम नहीं लगता, तो उस टाइम पे आप उस पैसे को यूज कर सकते हो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कुछ अमाउंट एज अ प्रिकॉशन लेके चला है कि हम उसको तब यूज करेंगे जब हमारे पे बहुत ज्यादा नीड आ जाएगी, जब मेरे पे कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। लाइक अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो गई तो अब आप क्या करोगे, उस केस में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप एडिशनल मटेरियल खरीद सको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दिस इज द प्रिकॉशनरी मोटिव फॉर होल्डिंग अ कैश। लाइक अगर आप कहीं जाते हो तो आप अपने पॉकेट में कुछ ना कुछ पैसे लेके चलते हो, क्यों, एज अ प्रिकॉशन कि इन केस अगर मेरे साथ कुछ मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई तब मैं क्या करूंगा। तो मैं इस वजह से हम क्या करते हैं, कुछ पैसे को अपने साइडलाइन कर देते हैं कि हम तब उसे यूज करेंगे जब मेरे को मतलब यूज लगेगा उस चीज को एज अ प्रिकॉशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मतलब स्पेकुलेशन करना, प्रॉफिट कमाना। जब आपको दिख रही है कि एक अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर खड़ी है और आप वहां पे इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपके पास कैश नहीं है, मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है लेकिन आपके पास कैश नहीं है, तो आप बताओ मुझे वहां से प्रॉफिट कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे। इस वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ अमाउंट अपने पास एक्स्ट्रा रखती है जिस वजह से वो प्रॉफिट कमा सके अगर उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में खड़ी दिखती है तो। तो दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट मोटिव फॉर होल्डिंग कैश। वन इज ट्रांजेक्शन, सेकेंड वन इज प्रिकॉशनरी एंड थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव मीन्स प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कैश। आपको याद होगा जब हमने ईओक्यू पढ़ा था तो वहां पे होल्डिंग कॉस्ट होती थी, कैरिंग कॉस्ट होती थी। सेम इन दिस मॉडल, इन दिस केस हमारा क्या है, कैश को मेंटेन करने के लिए भी दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी, एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द सेकेंड वन इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। पहला हो गया अपॉर्चुनिटी, सेकेंड हो गया ट्रांजेक्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए वो होते हैं जैसे कि आपके पास पॉसिबल दो ऑप्शंस हैं, एक्स एंड वाई, दो प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, या तो एक्स या फिर वाई, लेकिन आपके पास पैसा लिमिटेड है, या तो आप एक्स में इन्वेस्ट कर लो या फिर वाई में इन्वेस्ट कर लो। अब आपने रिस्क लिया कि ठीक है चलो मैं एक्स को छोड़ के वाई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये क्या हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए, क्या हो गई, एक्स हो गया। एक्स विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दिस केस, जो मैं छोड़ देती हूँ फॉर द बेटर ऑप्शन, कि मतलब मैंने कोई ऑप्शन छोड़ दिया, एक अपना दो ऑप्शन थे मेरे पास, मैंने एक ऑप्शन को लेफ्ट आउट कर दिया, दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया, तो जो मैंने ऑप्शन छोड़ा जिस वजह से मैंने ये चीज छोड़ी, तो इसके लिए तो मुझे कुछ क्या पता, मैं एक्स में इन्वेस्ट करती तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता, मुझे क्या पता अभी वाई में इन्वेस्ट करने पे मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो तो मेरा एक गेस वर्क था कि मैं वाई में इन्वेस्ट कर देती तो मुझे ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये मेरा जो एक्स प्रोजेक्ट का कॉस्ट हुई वो क्या हो गई मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक के बदले में जो मैं दूसरा यूज करती हूँ जो छोड़ा मैंने वो चीज हमारी हो जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकेंड वन इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो आई थिंक समझाने की नीड नहीं है, ट्रांजेक्शन इज सिंपली अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर अप करनी पड़ती है। लाइक अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेल आउट करने भी जाते हो मार्केट के अंदर, इफ यू आर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी विद यू और आप इसे कन्वर्ट कराते हो कैश में, तब भी तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉस्ट को बियर अप करना पड़ेगा ना, बेचने के लिए भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। तो ये क्या हो गई, ट्रांजेक्शन कर रही हूँ मैं, यहाँ पे भी मेरी क्या हो गई, कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब हमारे आते हैं टू मेन इंपॉर्टेंट मॉडल्स, दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए कि कितना कैश मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखूं। तो उसके दो मॉडल हमारे दिए गए हैं, एक होता है बॉमल्स मॉडल, ये कब यूज होता है, जब अंडर सर्टेनिटी की कंडीशन होती है, और दी मिलर ओल्ड मॉडल कब यूज होता है, अंडर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के केस में यूज होती है। अब मैं आपको ये मॉडल बहुत डीपली समझाती हूँ उसके अंदर क्या आता है। देखिए सबसे पहले मॉडल हमारा बॉमल्स मॉडल आया था, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से आपको कैश मेंटेन करना चाहिए, इन्होंने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया जिसके बेसिस पर हमारे क्वेश्चन आते हैं हमारे। ये मॉडल कब यूज करना है, जब सर्टेनिटी हो किसी चीज की, मुझे पता है कि भाई इतना ही पैसा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होगा, मैंने को पता है कि एक साल में मैं 1,00,000 रुपए यूज कर लूंगी अपनी कंपनी के अंदर, तो मैं ये वाला मॉडल यूज करूंगी।
इन्होंने सेम वही चीज अपनाई है जो हमारा ईओक्यू मॉडल में अपनाई गई थी। इनका फॉर्मूला भी अभी आप देखेंगे तो डिट्टो सेम है, कुछ नहीं है, बस नाम चेंज कर रखे हैं। तो बाउमेंस मॉडल देखिए सेम ही है, सिमिलर है, पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉब्लम। और इसमें दो तरीके की कॉस्ट आती है, कौन कौन सी कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू कैश। इनमें दो तरीके की कॉस्ट इंगेज होगी। इनकी क्या अजम्पशंस थी, कुछ अजम्पशंस इन्होंने लेके चली थी, जैसे हर मॉडल अपनी एक अजम्पशन देता है, हर बंदे की अपनी एक अजम्पशंस होती है, तो इन्होंने भी कुछ अजम्पशंस दी। पहली अजम्पशन इनकी क्या थी, ये मॉडल क्यों बनाया गया आपको समझ आ गया ना, ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए, कि मैं कितना ऐसा अमाउंट रखूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि ना ही मेरा शॉर्टेज ऑफ कैश की कंडीशन अराइज कराए, ना ही एक्सेस कैश हो जाए मेरी कंपनी के अंदर। तो एक बैलेंस बिठाने के लिए इस मॉडल का यूज किया जाता है। इन्होंने क्या क्या जंक्शंस मानी, कि फ्यूचर कैश रिक्वायरमेंट्स आर सर्टेन, बट एक बात बताओ, इन्होंने ये मान के चला कि फ्यूचर में जितनी भी कैश की रिक्वायरमेंट होगी वो सर्टेन होगी, क्या ये दिस इज पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल कि मेरे को पूरी सर्टेनिटी की कंडीशन रहेगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, हमें नहीं पता कि आज जितना पैसा मुझे चाहिए वो आगे जाके उतना चाहिए होगा या नहीं, या उससे ज्यादा चाहिए होगा। तो ये अजम्पशन आगे जाके क्रिटिसाइज की गई थी दूसरे मॉडल के द्वारा, ठीक है, पहले इनकी ये थी। सेकेंड अजम्पशन क्या थी, जो फर्म्स कैश पे आउट आर स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली ओवर टाइम, मतलब हमें यूनिफॉर्म पता है कि कहाँ कहाँ मेरा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, कहाँ कहाँ मुझे पैसा पे करना है, ये चीज में मुझे क्लियर पता होनी चाहिए अगर मुझे ये मॉडल यूज करना है, ये इनकी अजम्पशन थी। बट ये भी आप कह सकते हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उनकी कुछ अजम्पशन थी जो प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई कर सकते, बट इन्होंने ये मानी। थर्ड इनकी अजम्पशन क्या थी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है सेम रहेगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पूरे साल में सेम रहेगी अगर मैं सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करती हूँ तो। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो फिक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी फिक्स रहेगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट फिक्स रहेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिक्स रहेगी, कैश की रिक्वायरमेंट मुझे पूरी तरीके से सर्टेन पता होगी और कैश पे आउट जो होंगे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होंगे, तो ये इनका अजम्पशन थी। अब इन्होंने कुछ फॉर्म एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला क्या है मेरा, सी डैश इक्वल टू अंडर रूट टू सी टी अपॉन के। अब आप देखो ये वाला फॉर्मूला आपसे मैच हो रहा होगा ईओक्यू मॉडल की तरह, सेम है, कुछ नहीं है, बस वेरिएबल्स अलग हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है जून 2015 के पेपर में, तो ये भी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। सी डैश का मतलब क्या है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ऑप्टिमम कैश बैलेंस ही तो फाइंड कर रही हूँ इस मॉडल को लगा के। अब इस सी का मतलब क्या है, इस सी का मतलब होता है कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। लाइक अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेल आउट करने जाते हो मार्केट में, तो आपको उसमें कितनी कॉस्ट इंगेज करते हो, कितनी कॉस्ट लगती है आपकी, तो वो हो गई कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। टी स्टैंड फॉर टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में आपको कितने टोटल पैसे की नीड है, तो दिस विल बी योर टी अमाउंट, टी के अमाउंट हो जाएगी। और के क्या होता है हमारा, के हमारा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि एक के बदले में जो आप दूसरा ऑप्शन होल्ड कर लेते हो, मतलब जो होल्डिंग ऑप्शन होता है आपका छोड़ देते हो, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब नेक्स्ट मॉडल हमारा है मिलर ओर मॉडल, मिलर ओर मॉडल, जो प्रीवियस वाला मॉडल था हमारा बोमोल्स मॉडल, वो कब कब यूज करना है भाई, अनसर्टेनिटी के केस में यूज करना है वो वाला मॉडल, और ये वाला मॉडल कब यूज करना है हमें, अनसर्टेनिटी के केस में यूज करना है, मतलब जब मुझे सर्टेन नहीं हूं मैं कि मेरे कंपनी में इतना ही पैसा लगेगा, इससे अप और इससे डाउन नहीं लग सकता, जब मैं ये मान के चल रही हूँ, तो ये मेरे को मतलब सर्टेन नहीं हूं मैं, मेरे को नहीं पता कि कितना लगेगा, तब मैं इस मॉडल का यूज करूंगी। ये मॉडल इसलिए बेटर माना जाता है क्योंकि इन्होंने ये अजम्पशंस नहीं ली, एक तो सर्टेनिटी वाली अजम्पशन नहीं ली इन्होंने जो हमारे प्रीवियस मॉडल में ली गई थी, और एक इन्होंने ये वाली भी नहीं दी है कि कंजम्पशन ऑफ कैश बाय द फर्म एट यूनिफॉर्म रेट, मतलब हमें ये भी नहीं पता कि कितना कैश कब यूज होगा, ये भी मेरे को क्लियर नहीं है। ये दोनों अजम्पशन इन्होंने कंसिडर नहीं की है इस मॉडल के अंदर, और परफॉर्मेंस में की गई थी। इस मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी आती है, इन्होंने दो कंट्रोल लिमिट सेट कर दी है, एक होता है अपर कंट्रोल लिमिट और दूसरी हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट, एक है हमारा रिटर्न लेवल, तीन चीजें इन्होंने इंक्लूड करी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड रिटर्न लेवल। अपर लिमिट में देखिए इन्होंने क्या कहा है, अगर देखो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, एक होती है अपर लिमिट और ये हो गई मेरी लोअर लिमिट। अब अगर कंपनी में आप इस लाइन को एक्सीड कर जाते हो या अपर लिमिट से ऊपर जा रहे हैं आपके पास कैश, मतलब यहाँ से ऊपर आ गया,
फॉर सपोज मेरी कंपनी में सेट हुआ अपर लिमिट 1 लाख रुपए और मेरे पास हो जाते हैं 1.5 लाख रुपए। जब मैंने इस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया तब मैं उस कंडीशन में क्या करूंगी, अगर आपने अपर लिमिट को क्रॉस कर दिया इसका मतलब क्या है, आपके पास क्या है, एक्सेस कैश आ गया आपके पास, बहुत ज्यादा बाउंड्री क्रॉस हो गई ना आपकी, तो आपकी कंपनी में एक्सेस कैश की मतलब कंडीशन जनरेट हो गई। अब क्या करोगे यहाँ पे, अब आप उस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर लो। जब मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाता है तो मैं क्या करती हूँ, सिक्योरिटीज में लगा देती हूँ, जिससे कि वो जो मेरे पास एक्सेस कैश पड़ा है वो खाली ना पड़ा रहा है, मैं कहीं पे इन्वेस्ट करके वहां से प्रॉफिट कमा सकूँ। लेकिन अगर आपने इस लोअर लिमिट को नीचे आ गया, मतलब चाहिए थे 1 लाख रुपए तो मैंने मैक्सिमम माना था, अब मैंने लोअर लिमिट मानी थी 10,000 रुपए, अब मेरे पास मेरी कंपनी में 10,000 रुपए भी नहीं है, मतलब मैंने लोअर लिमिट को भी क्रॉस कर लिया, तो फिर मैं क्या करूंगी, अब इन्हीं सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करूंगी, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। अगर एक्सेस होगा तो आप इन्वेस्ट कर दो सिक्योरिटीज में, और अगर आपके पास डाउनफॉल चल रहा है, आपके पास नहीं है, शॉर्टेज ऑफ कैश की कंडीशन अराइज हुई भी है, तो आप इन सिक्योरिटीज को सेल करके कैश ले सकते हो। तो ये मेरा बेसिक मॉडल था, वो इन्होंने अपनी चीज में लिया था, और एक हमारा बीच में इन्होंने डाल दिया रिटर्न लेवल, कि मतलब आप इस लेवल पे एटलीस्ट वापस आ जाओ। दिस इज ऑल अबाउट द मिलर ओल्ट मॉडल, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सब चीजें डिटेल में, अगर आपको पढ़नी होगी इसकी थ्योरी यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको मतलब शॉर्ट में समझा दिया। ये इसमें फॉर्मूला दे रखा है, इसका फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, जो हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता है, अच्छी बात ये है, पूछा हमारा से बॉम्बल्स वाला जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा इफ यू वांट टू, याद करने के लिए कि अगर ये पूछ लिया कि ये मॉडल किस, ये वाला फॉर्मूला किस मॉडल का है, तो आप आइडेंटिफाई कर सको, एटलीस्ट गैप फाइंड कर सको, गैप होता है ना लोअर अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस, तो वो चीज है सिर्फ और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं सीधा चलती हूँ क्वेश्चंस की तरफ, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी बाकी आप करने वाले हो, फटाफट से हम चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल डाला है, ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है, देखिए जून 2015 का क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ बाकी आप कर लेना। सब पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, देखो सबसे पहले तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालना है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस का बाउमल्स ने फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला क्या था, सी डैश इक्वल टू अंडर रूट 2CT अपॉन K, ये मेरा फॉर्मूला था। अब ये सारे वेरिएबल ऊपर से छाट के नीचे लिखने हैं बस, और फिर फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले CTK, इन तीन चीजों को देखती हूँ मैं पढ़ के कहाँ क्या 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 चीजें लिखी हैं। टोटल कैश नीडेड बाय द फर्म, फर्म में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, देखो 10 लाख की, तो बस टोटल कैश रिक्वायरमेंट में डाल दो 10 लाख रुपए। आगे बढ़ो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट व्हेनेवर द मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच के कैश में कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे कितने रुपए बियर करने पड़ते हैं भाई, 50 रुपए। तो कैश कॉस्ट, सी मतलब क्या था, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, एक कॉस्ट कितने की हो गई, एक ट्रांजेक्शन करने की कॉस्ट 50 रुपए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है 12%, मतलब के बता रखा है 12%, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.12 डेसिमल में कन्वर्ट करना है बस। अब मेरे को वैल्यूज मिल गई है, मुझे फॉर्मूले में अप्लाई करना है, अप्लाई करो आप 2 × 10 लाख, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 50 अपॉन 0.12, इसे आप सॉल्व करना, आपका आंसर क्या मिलेगा, आपका आंसर मिल जाएगा 28867.5, ये आपका आंसर मिल जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हो, अंडर रूट करते हो, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि क्वेश्चंस होते हैं कैसे हैं सॉल्व। ऑप्टिमम कैश बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए आप बॉमल्स मेथड को यूज करोगे, ये आपका फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करके ऊपर क्वेश्चन करके वेरिएबल्स लिखो, पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है गाइस, तो ये वाला आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपका प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है 15 का, पढ़ना देखना और इसका आंसर फाइंड आउट करके मेरे को पिन करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ ये वाला, फिर हम एक क्वेश्चन और है वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। आउटगोइंग ऑफ एबीसी आर एस्टिमेटेड टू बी 5 लाख, आपको कितना कैश बता रखा है भाई, कितना मान के चल रही है कंपनी की, मुझे उसको कितना चाहिए होगा 5 लाख, तो 5 लाख मेरा क्या हो गया यहाँ पे टी, राइट। आगे पढ़ते हैं, द मनी ऑन डिपॉजिट अर्न 12% पर एनम मोर देन मनी इन दी करंट अकाउंट, कहने का मतलब है अगर आप डिपॉजिट में बैंक में मतलब डिपॉजिट करते हो तो आपको 12% ज्यादा का फायदा होता है, बल्कि करंट अकाउंट मेंटेन करने से, करंट अकाउंट में मेंटेन करोगे तो कम हो रहा है, डिपॉजिट्स में मनी मतलब लगाते हो तो फिर आपको 12% का ज्यादा का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे के कितना हो गया 12%, तो ये कितना हो गया 0.12। द स्विचिंग कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, अगर मैं स्विच करती हूँ या चेंज करती हूँ तो मेरे को कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है 150 रुपए, बस
फिर से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो फॉर्मूला लगा लो, मुझे सिर्फ क्वेश्चन में से पढ़ के सिर्फ वेरिएबल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप जो जो आपको चीजें पता है, देन सॉल्व कर लेना, आपको आंसर आपका इजीली मिल जाएगा। कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड बिल्कुल ईओक्यू पे बेस्ड है। जैसा हमने ईओक्यू पढ़ा है सेम तरीका ईओक्यू पे, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज करें, लिखने का तरीका चेंज किया और आपको समझाने का तरीका बताया, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलता है, ये मिलेगा ए ऑप्शन। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, यू विल गेट 35355। फर्स्ट विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ और ये आपका होमवर्क हो जाएगा, मैं समझा देती हूँ। दिस विल बी योर होमवर्क। देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स वाई जेड को रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है भाई, 5 लाख की जरूरत पड़ रही है। तो ये मेरा क्या हो गया टी, टोटल कैश कितना है 5 लाख। दिस अमाउंट इज अवेलेबल विद द कंपनी, कंपनी के पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज में है। अगर वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में रखती है ये अमाउंट, तो उसे 18% का यील्ड मिल रहा है। इस यील्ड का मतलब क्या होता है भाई, रिटर्न मिल रहा है मतलब कंपनी को आगे। एंड द कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश, अगर वो सिक्योरिटीज को बेच के कैश में कन्वर्ट करा लेता है तो उसे कितने रुपए, कितने बियर करने पड़ते हैं कॉस्ट, 500 रुपए। तो टी मेरा यहाँ पे दे रखा है 5 लाख। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो वो क्या कर रहा है भाई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़ के कैश में कन्वर्ट करा रहा है। तो ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में वो कमा सकता था, वो उसके लिए क्या हो गई यहाँ पे, के हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। 18% है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 0.18 हो गया। ये 500 रुपए क्या है बताइए आप, 500 रुपए कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन हो गई ना, तो सी विल बी 500 रुपए। फॉर्मूला लगाना, आंसर बताना, अब काम आपका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया हो, कैश मैनेजमेंट से जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको आज कंसीडर करा दिए हैं, फॉर्मूले भी और थ्योरी पोर्शन भी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके कंटेंट है और सभी बच्चे इस चीज़ को पढ़ सके, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि ये चीज़ें ज़्यादा तक पहुँचे, ज़्यादा बच्चों को पहुँचे, क्योंकि फाइनेंस बच्चों को टफ लगती है और मैं चाहती हूँ कि ये सब कह सके कि फाइनेंस ईजी हो गई है। अब रीज़न चाहे जो भी हो, है ना, तो फाइनेंस मेरे को ईजी बनानी है और आपको उसमें मेरा साथ देना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप